वेदा कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से सर्वरी की फिल्म है, सर्वरी के कांधे पर है। बहुत ही ज़्यादा घिसा बेटा, बहुत ही ज़्यादा क्लीशे। सर्वरी ने तो बिल्कुल चौंका दिया। वन साइडेड वो अपनी मूवी को लेके चलते आगे तक, लास्ट तक। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे फिर से जॉन अब्राहम को एक्शन अवतार में देखकर, और फिर उनके साथ इस बार को स्टार कोई और नहीं बल्कि सर्वरी है। लंबे अरसे से जो जॉन अब्राहम के फैंस हैं उनको उनकी फिल्मों का इंतज़ार था। लीड रोल में है जॉन और भरपूर फुल एंड फुल एक्शन फिल्म है। जॉन इस फिल्म में एक मिलिट्री मैन, एक सोल्जर की भूमिका में होते हैं। ये फिल्म वेदा जो एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, पूरी तरह से सर्वरी की फिल्म है। ये कहानी एक दलित महिला की है, ये कहानी एक दलित महिला के साथ हुए नाइंसाफ़ी की है, उसके परिवार के साथ हुए नाइंसाफ़ी की है। फिल्म का जो मैसेज है बहुत ही स्ट्रांग है, जो छूत अछूत चला करता था हमारे समाज में, हमारे देश में, भले आज ना होगा लेकिन छूत अछूत के कारण उनके साथ किस तरह से भेदभाव होता था इस फिल्म में दर्शाया गया। ये पूरी तरह से सर्वरी की फिल्म है, ये मैं कहूँगा। जिस प्रकार ट्रेलर में दिखाया गया था कि ये महाभारत के श्लोक से शुरुआत होता है, अर्जुन का दिखाया गया, बहुत कुछ चीज़ें से पॉइंट आउट की गई, तो ऐसा कुछ आपको फील आया, वैसा कुछ मोमेंट आया कि जिस प्रकार महाभारत में रूल्स एंड ये सब दिखाया गया वैसा उसमें ही दिखाया गया? नहीं, ये कह सकता हूँ कि जो अभिमन्यु का किरदार है, सिर्फ महाभारत का रेफरेंस उसके लिए लिया गया है कि अभिमन्यु किस तरह से चक्रव्यूह में फंस जाता है। इसके अलावा महाभारत की कहानी और फिल्म वेदा की कहानी बिल्कुल अलग है। फिल्म वेदा कहानी है एक दलित महिला की, जो अपने परिवार को, अपने समाज को इंसाफ दे लाने के लिए जो जिस तरह से शिद्दत से मेहनत करती है, लड़ाई करती है, जिसमें उनका पूरी तरह से सहयोग देते हैं जॉन अब्राहम, ये कहानी उस बारे में, ये कहानी बिल्कुल भी महाभारत से दूर दूर तक का नहीं मिलती है। डायरेक्शन की बात करें, आप स्क्रिप्ट राइटिंग की बात करें, डायलॉग की बात करें, वो कैसा लगा? ऐसे बीच बीच में गूज़बम्प्स आए जब डायलॉग सुने या फिर डायरेक्शन देखा? डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है ये फिल्म। मैं कहूँगा कि एक्शन डायरेक्टर का कमाल है। फिल्म में जो एक्शन है बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अपर लेवल का एक्शन है। फिल्म के डायलॉग्स इतने कैची नहीं है कि हम 3 घंटा 2.5 घंटा फिल्म देखने के बाद हमारे दिमाग में रह जाता है एक भी डायलॉग, लेकिन फिल्म का जो संदेश है, फिल्म का जो मैसेज है बहुत ही स्ट्रांग है। ऑडियंस को फिल्म को देखने के बाद उस मैसेज को ज़रूर याद रखेगी। सर्वरी को इससे पहले मुंजिया में देखा, सुपर हिट हुई मूवी, इस बार उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा? सर्वरी की अगर मूवी मुंजिया की बात करूँ तो वहाँ पर उनको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं थी। वेदा कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से सर्वरी की फिल्म है, सर्वरी के कांधे पर है। भले ही लीड रोल में जॉन अब्राहम होंगे लेकिन जो कहानी है पूरी सर्वरी के इर्द गिर्द घूमती है। सर्वरी को पूरा मौका मिला है अपने इमोशंस दिखाने का, अपने लुक्स दिखाने का, कहीं ना कहीं उनको अभिनय दिखाने के लिए बहुत अच्छा मंच प्रदान किया गया है वेदा। वेदा के बाद कहीं ना कहीं सर्वरी को लोग सीरियस देखना पसंद करेंगे। वेदा में सर्वरी ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है। इसी के साथ अभिषेक बनर्जी लोगों को हंसाते हुए देखे गए हैं, हमने उनको हमेशा हंसाते हुए देखा है, इस बार उनका विलेन जैसा रोल है तो अभिषेक बनर्जी ने जो अपना एक कैरेक्टर डेवलप करके रखा था उससे बिल्कुल इस फिल्म में विपरीत नज़र आते हैं। बहुत ही खूंखा विलन के रूप में लोगों ने उनको पसंद किया, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि लोगों में आज समझ आ चुकी है जो विलन है केवल पर्दे पे विलन है, वो अपना अभिनय पेश कर रहा है। उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग विलन की जो भूमिकाएँ निभाई है फिल्म के लास्ट सीन तक, कहीं ना कहीं एक बेहतरीन तरीके से जो फिल्म का हीरो है जॉन उसको टक्कर देते हैं और उसके नाक में दम करके रखते हैं। और साथ ही बात करेंगे इसी के साथ अभिषेक बनर्जी की, कल एक और मूवी आ रही है स्त्री 2, तो ऐसा लग रहा है कि वेदा और स्त्री 2 में कड़ी टक्कर होगी, कौन किसको मात देगा आपको क्या लगता है? देखो मैं कहूँगा कि 3 बड़ी, वैसे तो काफ़ी फिल्में रिलीज़ हो रही है 15 अगस्त के मौके पर, 3 बड़ी फिल्में रिलीज़ हो रही है, खेल खेल में, वेदा और स्त्री 2। ये अभिषेक की कहीं ना कहीं एक इम्तिहान है। मुझे लगता है कि दोनों में से एक फिल्म तो ज़रूर चल जाएगी, फिल्म चले ना चले लेकिन अभिषेक बनर्जी का जो अभिनय है लोग उसको ज़रूर पसंद करेंगे। 5 में से कितना स्टार देना? 5 में से मैं 3.5 स्टार देना चाहूँगा। तो क्या कहना चाहेंगे भी आप, वेदा मूवी देखकर आ रहे हैं फिर से जॉन अब्राहम एक्शन अवतार? यस यस, जॉन अब्राहम इज़ लवली व्हेन इट कम्स टू एक्शन। यू नो आई पर्सनली फील दैट देयर आर वेरी फ्यू एक्टर्स हु कैन एक्चुअली रेप्लिकेट हिम और इवन यू नो थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग दैट इज इवन नियर टू व्हाट ही इज डन। So, you know, I would say that very few action stars can actually establish what he has established as far as, you know, the Bollywood industry is concerned. So, it's a big thing, I'd say.
साथ ही एक न्यू केमिस्ट्री उभर कर सामने आई है जॉन अब्राहम और शर्वरी, तो आपको वो केमिस्ट्री कैसी लगी? शर्वरी नहीं, जॉन अब्राहम और शर्वरी केमिस्ट्री वेमिस्ट्री कुछ नहीं है, इट्स बिकॉज तमन्ना और उनके साथ पेयरिंग था और इनका तो मतलब वो कोच और स्टूडेंट का रिलेशनशिप जैसे बताया है, बिकॉज ही इज़ मोस्टली टेकिंग केयर ऑफ व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद हर कैरेक्टर। नहीं नहीं, उनके साथ मुझे क्या, मुझे तो बिल्कुल उन दोनों का पेयरिंग के हिसाब से लगा नहीं। सो मैं तो बिल्कुल भी डिसअग्री करूँगा इस बात पे। और मेरे हिसाब से द फिल्म वॉज, आई मीन जॉन वॉज ऑल प्रोवाइडिंग इन द फिल्म। जॉन के हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से हिज एक्शन, हिज हिस्ट्रियोनिक्स, हिज फिजिकलिटी वॉज ऑल प्रोवाइडिंग इन द फिल्म। तो पहले फ्रेम से लेके आखिरी फ्रेम तक वो थे। हालाँकि शर्वरी की कैरेक्टर के नाम के ऊपर फिल्म का नाम रखा गया है और उस पर कभी कोई बात हुआ नहीं है। दैट्स अ बिग थिंग। आई डोंट नो व्हाई इट वाज डन, इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन बाय द मेकर्स, बट देन आई डोंट नो व्हाई इट वाज डन बिकॉज इट वाजंट जस्टिफाइबल टू मी पर्सनली। इवन डायरेक्शन और राइटिंग की बात करें तो राइटअप और डायरेक्शन कैसा लगा? बहुत ही ज़्यादा घिसा बेटा, बहुत ही ज़्यादा क्लीशेड। द मिलियू ऑफ द फिल्म, जहाँ पर वो फिल्म बेस्ड है, इन राजस्थान, बाड़मेर और एनीवेयर एल्स फॉर दैट मैटर, I am an urban guy, so I cannot really relate myself or cannot really, it's, the film is not relatable to me per se, personally. So I could not really feel one with the film. It's not ki humne kabhi aise film dekhe nahi. It's a very cliched film. The direction is cliched, the writing is, the dialogue is really, I mean, I don't really want to say anything negative about the film, but then I did not really like the screen ke behind ki jo the foundation of the film is what I want to say. And jahan tak you know, the only plus factor of the film was John. Matlab agar koi movie dekhna chahta hai to sirf John Abraham ke sath. Yes, only because of him, only because of his histrionics, only because of the way that, the fact that he is there in the film. To pura film unke kandhe ke upar, even the makers knew it. The film boasts of quite a good character artists. You have Ashish Vidyarthi, you have Abhishek Banerjee, you have Sharvari, you have Tamanna in a very special role, एंड जॉन इज़ देयर। तो जो आर्टिस्ट है वो काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट थे, बट जिस तरह से स्क्रीन प्ले है, जिस तरह से मुझे गाना, वाई दैट मोनी रॉय सॉन्ग वॉज इवन, इट वॉज लाइक सीरियसली इंजेक्टेड इन द फिल्म फॉर सम रीज़न, मे बी टू मेक इट ऑडियो, आई मीन अपीलिंग टू द मासेस, बट अगेन वैसे भी वो चवन्नी छाप ऑडियंस के लिए ही बनी है वो पूरा जो गाना है। तो आई डोंट रियली फील कि वाई इट विल बी, मतलब ज़बरदस्ती करके घुसाया। सो इट वॉजेंट समथिंग विच आई रियली यू नो लाइक। सो फिल्म में अगर गाने नहीं होते एंड जिस तरह से जा रहा था उस तरह से चला जाता, मतलब जाता था, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होती। जो तीसरी बात है वो ये है कि बहुत सारे जगह पे, जैसे फॉर इंस्टेंस द एक्शन डायरेक्टर, आई डोंट रियली थिंक दैट ही रियली पेड मच अटेंशन टू द यू नो द स्क्रीन फॉर दैट मैटर। एक सीन में पूरा जो गाड़ी है पलट जा रही है, गाड़ी के अंदर 3-4 जन है, उसमें दिखाई नहीं दे रहा कि 3-4 जन है, तो पूरा खाली है, वो पूरा पलट रही है, और फिर बाद में नेक्स्ट शॉट में दिखा रहे कि गाड़ी में 3-4 जन बैठे हुए हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन यू आर मेकिंग द फिल्म, एंड उसमें दिखाया नहीं है, मतलब नहीं किया गया। कल एक साथ 3 मूवी रिलीज हो रही है, मिस्ट्री 2 और ये बेटा, तो आप क्या लगते हैं कौन सबसे ज्यादा? ये तो मुझे पता नहीं है। वेदा में वन मैन आर्मी है, जॉन है, एंड स्त्री 2 is a film which was very popular with the mass previously, the last film, the first Stree 2 ka installment, and I'm sure that excitement is again there, because again Tamanna is there in a song which I personally like. I love that song, Aaj Ki Raat, that's a lovely song, and that is definitely going to be a crowd puller. But jahan tak action ka sawal hai, serious action ka sawal hai, John is really did his, I mean he's massive in this film and he's done really good. 2.5 out of 5 stars only because of John. I am not a John Abraham fan. Action. Only John and John action. Yeah. Thank you, sir. Ma'am, क्या कुछ कहना चाहेंगे वेदा में फिर से आप जॉन अब्राहम को एक्शन अवतार में देख रहे हो और इस बार उनके साथ एक नहीं बल्कि दो स्टार है इन एक्ट्रेस, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगा? बहुत अच्छी लगी फिल्म में जो तमन्ना भाटिया का काम है बहुत थोड़ा सा है, लेकिन वो एक बहुत बहुत अच्छी लगी है, उन दोनों का पेयर भी बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि आगे वो दोनों एक साथ और कंटिन्यू करें। शर्वरी ने तो बिल्कुल चौंका दिया, उसने अपने मेकअप पे ध्यान नहीं दिया, अपनी जो बॉडी है, फिगर उसका इतना अच्छा है, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा लग रहा था कि सच में जैसे कोई टीनेजर हमारे सामने खड़ी है और फाइटर टीनेजर। तो
शर्वरी का काम बहुत अच्छा था, और सबसे ज़्यादा चौंकाया जिनका नॉमिनेशन होना चाहिए बेस्ट विलन का, वो है अभिषेक बनर्जी, गजब का काम किया। इतना छोटा सा लड़का जिसको हमने कॉमेडी में ही अब तक देखा है, स्त्री वन स्त्री टू में भी वैसे ही है, भेड़िया में भी लल्लू सा बना है, इसमें इतना बड़ा बन गया वो कि उसने आशीष विद्यार्थी को भी पीछे छोड़ दिया। तो मुझे ये लगता है कि उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की, और बाकी लोगों ने भी एक्टिंग, अब निखिल अडवाणी हो जिन्होंने बाटला हाउस बनाई है, तो उनसे हमें यही एक्सपेक्टेशन थी कि करवाएंगे तो बहुत अच्छा काम करवाएंगे। लेकिन जहाँ तक फिल्म की बात है तो फिल्म में थोड़े से लूप होल्स भी हैं। मुझे ये कहना चाहिए कि जो स्क्रीन प्ले है उसमें थोड़ा सा झोलझाल है, अगर उसको ठीक कर लेते, जैसे एंड में वो पूछती है और जज में से एक औरत खड़ी होके बोलती है जो जज थी, लेडी जज, कि मैं आपका केस लड़ूंगी, तो ये नहीं होता है। वो बेंच तय करती है, एक उनको नंबर दिया जाता है, उसमें उनको जो भी जज मिले, जज को वो करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जज अपनी ड्यूटी से बोल दे, मना कर दे कि मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। अगर ऐसा केस हो तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, वो लोग उनको अपना केस लड़ने ही ना दे। जजमेंट वो भले कुछ भी कर सकते हैं, उसका अधिकार उन्हें है, लेकिन वो मना नहीं कर सकते हैं कि मैं आपका केस नहीं लड़ूंगा। थोड़ी बहुत जो सिनेमेटिक लिबर्टीज़ हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो ज़बरदस्त एक्शन है, एक्शन को सीन्स को थोड़ा कम किया जा सकता था। उसमें बार बार अगर विलन पकड़ गए तो विलन को ये लोग नहीं मार रहे, ये लोग पकड़े गए तो विलन नहीं मार रहा है, तो ये जो होता है, और चेजिंग के जो सीन्स थे बहुत लंबे कर दिए, उसकी जगह कंटेंट को थोड़ा और बढ़ा दिया जाता तो ये ज़्यादा अच्छी फिल्म बनती है। डायरेक्शन की बात, बहुत बढ़िया डायरेक्शन, इसका एडिटिंग बहुत अच्छी है, और साथ में सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। बैकग्राउंड स्कोर देखिए, एक्शन फिल्मों का लाउड ही होता है, तो बैकग्राउंड स्कोर को हम बोल सकते हैं कि नहीं नहीं बहुत लाउड था, बट बाकी फिल्म बहुत अच्छी है। इवन अगर बात किया जाए, कल अभिषेक बनर्जी की एक और मूवी रिलीज होगी, इसी के साथ साथ स्टे टू, इसी के साथ साथ खेल खेल में भी रिलीज हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वेदा ये दोनों को मात दे सकता है। देखिए, स्त्री टू को मात देना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस फिल्म का इंतज़ार पूरे भारत को था, काफ़ी दिनों के बाद आ रही है, और सुपर नेचुरल है तो सब कुछ जानना है कि आखिर श्रद्धा कपूर है कौन, तो उसकी बात कुछ अलग है, लेकिन बाकी सब में अच्छी है। खेल खेल में बहुत कॉमेडी थी, और बिल्कुल नो एंट्री की याद दिला दी, तो ऐसे ही बस कह देते हैं। पाँच में से कितना स्टार? पाँच में से मैं इसे 3 से 3.5 के बीच में देना चाहूँ। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे फिर से जॉन अब्राहम को एक्शन अवतार में देखते हुए आ रहे हैं? मैं बहुत बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी मूवी है, काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद पठान के बाद अभी जॉन सर को देखने का मौका मिला हम लोगों को, तो हम लोग ने देखा है कि जॉन सर की मूवी फाइटिंग मूवी है, और फाइटिंग सीन बहुत ही अच्छे रहते हैं मूवी में जॉन सर की, वन साइडेड वो अपनी मूवी को लेके चलते आगे तक, लास्ट तक लेके गए, तो शर्वरी का भी बहुत ही अच्छा काम है, सभी का अच्छा काम लगा है मुझे मूवी में। अभिषेक बनर्जी भी है, तमन्ना भी है, और शर्वरी को हमने मुंजिया में देखा, जी एक अलग कैरेक्टर था, ये अलग कैरेक्टर है, तो कैसा कुछ हुआ, क्या कुछ अलग? काफ़ी अच्छा लगा, कुछ अलग देखने को मिला, और अभिषेक जी तो कॉमेडियन एक्टर है, उनका एक ये विलन वाले अवतार में एक अलग ही वो लगा है कि बहुत ही अच्छा लगा है उस लुक में मुझे उनको देख के। डायरेक्शन की बात करें या फिर डायलॉग की बात करें, तो डायलॉग जो कि मेन होता है, अहम होता है किसी मूवी का, तो वो कैसा लगा? डायलॉग डिलीवरी भी अच्छे थे, मतलब डायलॉग, कुछ ऐसे मोमेंट्स आप शेयर करना चाहोगे आपको जो मूवी का बेस्ट पार्ट लगा? जॉन सर का ही एक डायलॉग है, लड़ना नहीं आता मुझे, सिर्फ जंग लड़नी आती है, वो वाला डायलॉग मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और भी काफ़ी सारे डायलॉग्स हैं, डायलॉग अच्छे थे, कोई ऐसा वो नहीं था। 5 में से कितना स्टार? मैं 5 में से 5 रेटिंग देने चाहता हूँ उसका। 5 में से 5? जी, बहुत ही अच्छी मूवी लगी है मुझे तो। वेलकम।